हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पोको की तरफ से पोको C65। जी हाँ, पोको का एक और बजट फ़ोन पोको C65 कब लॉन्च होगा, कौन से डेट के अंदर लॉन्च होगा, इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलेगा, लाइक कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, क्या क्या फीचर्स मिलेगा और कुछ बात करेंगे, मतलब सब कुछ बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फ़ोन है बजट फ़ोन होने वाला है, इसका प्राइस बहुत ही कम होगा। तो अगर आपको पोको का फ़ोन पसंद है, एक बजट फ़ोन परचेस करना चाहते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको 6.74 इंच का बहुत ही बढ़िया IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज़ का सुपर फास्ट आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, 450 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Helio G85 का एक बहुत ही बढ़िया आपको प्रोसेसर मिलेगा इसके अंदर। इसकी कैमराज की बात करें यार, तो 50 MP प्लस 2 MP डुअल कैमरा आपको मिलेगा, 8 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा इसके अंदर, 5000 mAh का बैटरी मिलेगा 18 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स MIUI के साथ एंड्रॉयड 13 का आपको सपोर्ट मिलेगा, LPDDR4X का रैम मिलेगा, UFS 2.1 का स्टोरेज मिलेगा, 192 ग्राम इस फोन का वेट है, Wi-Fi 5 मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, 3.5 mm ऑडियो जैक मिलेगा, 8.09 mm आपको थिकनेस देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। ओके, तो देखिए ये फ़ोन यहाँ पर 12 दिसंबर को, जी हाँ दिसंबर महीने के 12 तारीख को इंडिया पे लॉन्च होगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग यहाँ पर 11,000 के आसपास ये फ़ोन लॉन्च होगा। जी हाँ, 11,000 के आसपास इसका प्राइस होने वाला है, जो एक ठीक ठाक सी बात है। बजट फ़ोन है तो इसका जो प्राइस है काफ़ी कम होने वाला है, मतलब 11,000 से लेकर 12,000 के आसपास इसका जो एग्जैक्टली प्राइस है इंडिया पे लॉन्च यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके एक बजट फ़ोन का नीड है, एक 10-11 हज़ार रुपये के अंदर एक बजट फ़ोन परचेस करना चाहते हो, तो ये पोको C65 आपके लिए सबसे बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही।